स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 8th का हमारा सिविक्स का सेकंड चैप्टर विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर जो है, इसमें साफ तौर पर ये बतलाया गया है हमारे संविधान के प्रियम्बल के बारे में। इससे पहले के चैप्टर में आपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले हम लोग जब प्रियम्बल के बारे में इसमें जब पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा बैक में चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं ज़रा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो क्या है, एक लिखित जो है रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके तहत देश को जो है चलाया जाता है, गवर्नमेंट को जो है आपको चलाया जाएगा, यानी कंट्री किस तरीके से गवर्न होगा, यानी देश को कैसे चलाया जाएगा, गवर्नमेंट की जो है क्या रणनीति होंगी, गवर्नमेंट कैसे अपने काम करेगी, ये सारा कुछ जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बतलाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो है ये बतलाया गया है कि आखिर गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, गवर्नमेंट के क्या लेवल्स होंगे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, किसको कितना पावर दिया जाएगा, ये सारा चीज जो है ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। देखिए, प्रियम्बल को हम लोग प्रारंभिका या उद्देशिका कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रियम्बल के बारे में सबसे पहले जो बहस जो हुई थी वो मई 1949 में हुई थी, मई 1949। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है ना आपको प्रियम्बल बनाया गया था, सबसे लास्ट में प्रियम्बल बनाया गया था। इसको लेकर जो है संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा बहस भी हुई कि भाई ये जो सबसे पहले इसी को बनाना चाहिए था, तो आखिर इसको सबसे लास्ट में क्यों बनाया गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है इस चीज को जो है मई 1949 में जो है हमने प्रियम्बल को जो है अपने देश में के जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो है तैयार किया था, ठीक है, जिसकी जो है रूपरेखा जो है आपको जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इसका तैयार किया गया था। देखिए, वैसे अगर आप जान लीजिए प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल जो होता है, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान से हमें परिचय कराने वाला जो है ये आपको उद्देशिका है, ठीक है। यानी भारतीय संविधान से हमें क्या कराता है, परिचय कराता है। इसमें जो वो फिलॉसफी मौजूद है, यानी दार्शनिक जो है वो आपको बातें मौजूद है, फिलॉसफी मौजूद है कि आखिर जो है एक आज़ाद भारत जो होगा उसका संविधान कैसा होगा, किन नियमों के तहत देश को चलाया जाएगा। देखिए, तो ये प्रियम्बल जो है ना, इसमें आप जान लीजिए कि देखिए ये प्रियम्बल का सबसे पुराना नाम, यानी पहले जो है इसका जो नाम जो था, ठीक है, इसका पहले जो नाम जो था वो आपको जो है रिजर्व रेजोल्यूशन था, ठीक है, यानी इसका नाम जो था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, और ये सबसे पहले पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है सबसे पहले जो है ना, इन्होंने जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहने का मतलब है, ऑब्जेक्टिव का मतलब था उद्देश्य और रेजोल्यूशन का मतलब था प्रस्ताव। तो ये जो है ना उद्देश्य किसी जो है कि एक आजाद भारत जो होगा उसका संविधान कैसा होगा, इसको लेकर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने जो है माइनॉरिटी के अधिकारों की बात की थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की थी, लिबर्टी के बारे में बात की थी, एक इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात की थी। तो इन सभी तरह की बातें जो है इसमें बताई गई थी, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो रिजोल्यूशन जो आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो तैयार किया जाता है, ये जो है इसी में जो है कुछ और बातें जो है वो जुड़ते चली जाती हैं, ठीक है। और ये जो है आपको जो है संविधान सभा जो है के पास जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिजोल्यूशन जो थे उसके प्रस्ताव जो है कुछ जाते हैं, जिसको आपको जो है संविधान सभा के जो है मेंबर्स जो है इसे कुछ मानते हैं, यानी उनकी बातों को जो है मानकर जो है वो आगे का कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का जो है काम जो है वो तैयार हो जाता है। तो आप आइए, अब हम लोग जरा बात करते हैं हमारे जो है प्रियम्बल में जो लिखा हुआ होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved, having solemnly resolved to constitute India a secular, democratic, socialist, sovereign republic.
ठीक है, एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी। ओके, तो ये सारी बातें जो है वो आपको दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग मैं आपको बता दूं कि इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखिए, सो से डॉक्टर जे एल ई एफ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सो से डॉक्टर जे एल ई एफ क्या है, तो आपको मैं बता दूं, ये हमारा पूरा जो है ना प्रियम्बल के जो बेसिक, जो आपको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक जो वैल्यूज जो है जिसे प्रियम्बल में जगह दिया गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा प्रियम्बल जो है वो क्या है, ये प्रियम्बल जो है वो हमारा इंटरफेस है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे संविधान के बारे में हमसे परिचय करा रहा है। तो इंटरफेस है, यानी ये जो है संविधान में किन किन बातों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो यही जो है ये प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन करा रहा है। तो उसी के तहत आप प्रियम्बल में ये देखेंगे कि सो से डॉक्टर जे एल ई एफ ये आपको मौजूद है। मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए, सो का मतलब गया सॉवरेन, फिर सोस का मतलब गया सोशलिस्ट, फिर आपको जो है से हो गया एस ई से हो गया सेकुलर, फिर जाकर डॉक्टर का डी से हो गया डेमोक्रेटिक, डी आर से जो है डी फॉर डॉक्टर का जो है डी से हो गया डेमोक्रेटिक, आर से हो गया रिपब्लिक, ठीक है, और जे एल ई एफ, तो जे से हो गया जस्टिस, एल से हो गया लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। तो ये आप ध्यान रखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा जो मैंने आपको ट्रिक बताया, सो से डॉक्टर जे एल ई एफ। तो हम लोग सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ हमारा सबसे पहला सॉवरेनिटी से, ठीक है। हमारा देश जो है वो सॉवरेन है, तो सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, यानी देश के आंतरिक और साथ ही साथ बाहरी मामलों का फैसला हमारे देश की जनता लेगी। हमारे देश की जो जनता जो है वही सर्वोपरि है, यानी इस देश की सरकार को चुनने वाला भी जनता ही है, और यही जनता जो है वो देश के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़ी हुई मामलों का फैसला लेगा। यानी हमारे ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति हमें नहीं सिखाएगा कि हमें किस तरीके का कार्य करना चाहिए, हमारा इंटरनल क्या पॉलिसी होना चाहिए, हमारा एक्सटर्नल क्या पॉलिसी होना चाहिए, ये कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर डिक्टेट कर हमें यह नहीं समझाएगा। हम स्वतंत्र हैं अपने देश के आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए। अब बात हम लोग करते हैं सोशलिस्ट का। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, यानी समाजवाद जो है इसका यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया है कि देश में जितने भी संसाधन हैं इन सभी संसाधनों पर जो है सभी देश के नागरिकों का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। इसमें इस बात का उल्लेख इसलिए भी किया गया है कि हमारे जो रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक्युमुलेट ना हो, इन सभी संसाधनों का जो है सबका बराबर का अधिकार हो, यानी हर व्यक्ति का हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं सब पर उनका अधिकार हो, यानी हर व्यक्ति का बराबर अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि देखिए, इस चीज को समझिए, पैसे हो या फिर और अन्य जितने भी संसाधन हो, सबका लाभ सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पास ही जो है रिसोर्सेज मौजूद हो। आप जरा समझिए ना, देखिए कभी कोई चीज़ जो है महंगी होती है, ठीक है, तो महंगी चीज़ जो होता है सरकार क्या करती है, गरीबों को सब्सिडी देती है, ठीक है। सब्सिडी देने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि वो रिसोर्स जो है वो गरीबों तक भी पहुँचे, ठीक है, इसलिए उसके रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। तो बस वैसे ही एक और एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है कि इकोनॉमिक तौर पर इसको समझिए कि सरकार ने क्या किया है, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग जो होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है, और जो कम पैसे वाले लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लेती है। अभी के अनुसार क्या है, 5 लाख से अगर कम आमदनी अगर सालाना अगर होती है तो सरकार हमसे कोई टैक्स नहीं लेती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जिनकी आमदनी होती है उनसे वो क्या कर रही है, टैक्स ले रही है। तो हम यहाँ पर रिसोर्स जो है ना वो ऐसा नहीं कि किसी से छीनेंगे, हम अपने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत कुछ नियम बनाएंगे जिससे कि रिसोर्स जो होगा वो बराबर जो है ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब था पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, यानी भारत देश जो है वो हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, यानी यहाँ पर हर धर्म के लोगों को आज़ादी है कि वो यहाँ रह सकते हैं, भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। साथ ही साथ हर धर्म के लोगों को जो है बराबर का अधिकार दिया गया है, सरकारें किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव किसी भी धर्म के लोगों के साथ नहीं करेगी,
ठीक है, और हर धर्म के लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म की जो है आपको जो धर्म को जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, यानी अपने धर्म का जो है सम्मेलन अगर करना चाहें या अपने धर्म को जो है प्रोपोगेट करना चाहें, उनका उसका प्रचार प्रसार करना चाहें, तो हर धर्म के लोगों को इसकी आज़ादी दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया सेकुलर। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं हमारा देश अतिथि देवो वाला भवो वाला देश है, यानी यहाँ पर अतिथि जो है वो देवता के समान है, तो हर धर्म के लोगों को हमारे देश में स्थान दिया गया है। पाकिस्तान जैसा कोई ये मुल्क नहीं कि यहाँ पर जो है सिर्फ इस्लाम धर्म के ही लोगों की जो है बोलबाला है, यहाँ हर धर्म और मजहब के लोग जो है रहते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं आपको बता दूं कि देखिए संविधान में एक बार की आपको मैं एक बात बता दूं कि संविधान में जो है आपको जो है आर्म्स को लेकर जो एक बार बहस चली थी, आर्म्स हथियार रखने को लेकर, तो उसमें सिख धर्म के लोगों को जो है वो क्या किया गया, वही एक ऐसे धर्म के लोग हैं जिन्हें सिर्फ हथियार रखने की जो है आज़ादी दी गई है संवैधानिक तौर पर, और किसी भी धर्म को जो है अपने साथ जो है आर्म्स रखने का जो है अधिकार नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अपने देश में जो है हर धर्म हर मजहब के लोगों का क्या किया है, सम्मान किया है। अब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में, यानी हमारा देश जो है बाय द पीपल फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल के मेथोडोलॉजी पर विश्वास करता है, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता से इस मेथोडोलॉजी पर विश्वास करता है, यानी हमारे देश की जो सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारी ताकतें जो है वो किसके पास है, लोगों के पास है, लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही गवर्नमेंट जो होगा वो काम करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिपब्लिक का, यानी हमारे देश का जो हेड जो होगा वो चुना गया प्रतिनिधि होगा, ऐसा नहीं कि वो कोई मोनार्क होगा या कोई डिक्टेटर होगा, वो जनता के द्वारा इनडायरेक्टली चुना जाएगा। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यानी हमारे प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, रिपब्लिक है, उनकी भी एक लिमिटेड जो है फिक्स टेन्योर है जो कि 5 साल की कार्यकाल है। ठीक है, तो इनके कार्यकाल जो है वो निर्धारित है। अब हम लोग बात करेंगे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी के बारे में, यानी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो जस्टिस में क्या, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो किस तरीके का न्याय, तो न्याय सामाजिक, न्याय आर्थिक, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, तो हमने जो है अपने देश के सभी नागरिकों को जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का काम किया, यानी हमने अपने प्रियम्बल में इस बात को जगह दिया कि भारत के सभी नागरिकों को जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो है न्याय दिया जाएगा, और ये एक राजनीतिक ही न्याय हमने किया कि भारत के सभी नागरिकों को जिनके उम्र 18 साल से अधिक या 18 साल है उन्हें हमने वोटिंग राइट दिया। ये हमने राजनीतिक ही न्याय किया कि हमने हर वर्ग के लोगों को जो है चुनाव में खड़े होने का आपको जो है परमिशन दिया, यानी हर वर्ग हर धर्म का व्यक्ति जो है वो जो वोटर है वो क्या बन सकता है, वो वोटर मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, वो कैंडिडेट बन सकता है, किसी भी पद के लिए वो कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल ही जस्टिस है, राजनीतिक तौर पे ही हमने क्या किया, न्याय किया। अब हम लोग बात करेंगे जस्टिस के बाद लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज का, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को रखने का, अपनी बात को सोचने का, यानी आज़ादी अपनी बात को रखने का, अपने विचारों को रखने की आज़ादी। ठीक है, इक्वालिटी किस चीज का, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी नागरिकों का एक सम्मान होना चाहिए और साथ ही साथ हर नागरिक को बराबर अधिकार मिले, यानी अपॉर्चुनिटी, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब वैकेंसीज होता है तो हर नागरिक को जो है अधिकार हो कि वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी समान अवसर हर भारत के नागरिकों के लिए। तो हमने लिबर्टी बता दिया, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी बताया, अब बात करते हैं फ्रैटर्निटी का। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, तो ये भाईचारा क्या, तो अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने ब्रदरहुडनेस और सिस्टरहुडनेस की भावना जो है उसको शामिल किया कि हम सभी भारतवासी भाई बहन हैं, जो आप प्लेज में हमेशा बोलते हैं। ठीक है, All Indians are my brothers and sisters।
तो ये फ्रैटर्निटी की बात जो है हमने अपने संविधान में जोड़ा कि हम भले ही भाषा, कल्चर और फिर धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है वो इसमें आ गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आपको ये बतला दें कि ये जो हमारा प्रियम्बल जो है ना, इसमें आपको जो है सोशलिज्म जो शब्द जो था ये पहले मौजूद नहीं था, सेकुलर जो शब्द जो था ये पहले मौजूद नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग जो थे, जो ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी, उनके मन में ये विचार आया ही नहीं। जी विचार बिल्कुल आया था, लेकिन हमने उस समय इसे अपने संविधान में जगह नहीं दिया था। लेकिन को खैर देर भली, लेकिन अंततः वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थे, उस समय संविधान में संशोधन कर इन दो चीज़ों को जो है जगह दिया गया। देखिए संविधान में जो है वर्ष 1973 का, ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, देखिए एक्स्ट्रा जानना ज़रूरी है। ठीक है, बुक तो सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बुक हर कोई पढ़ता है, लेकिन बुक से थोड़ा अलग जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए वर्ष 1973 में एक केस आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, जिसको केशव नंदन केस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मशहूर केस था। ठीक है, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी। ठीक है, इस केस के तहत ये बात को रखा गया कि देखिए भाई प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसी केस का नतीजा था कि आपको सेकुलर और सोशलिज्म जो है ना, इन विचारों को जगह मिला। तो केशव नंदन केस में इस बात का जिक्र आया। ठीक है, केशव नंदन केस वर्सेस आपको सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में जो है ना ये आपको जो है बहस हुई। ठीक है, और बहस का नतीजा ये निकला कि भाई देखिए प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडमेंट प्रियम्बल में करना चाहिए, ये संभव है, लेकिन हाँ बेसिक जो है ना, बेसिक चीज़ों को अमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रियम्बल के जो है कुछ पार्ट्स को जो है अमेंड किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं करेंगे, लेकिन प्रियम्बल को अमेंड करेंगे। और इसी का नतीजा ये निकला कि हमने जो है सोशलिज्म और सेकुलर जो है इसको वर्ष 1976 में 42वें 42 अमेंडमेंट के तहत इसको अपने संविधान में जगह। इस सुंदर से प्रियम्बल को डिज़ाइन किया गया था राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। राम मनोहर सिन्हा जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे, उन्होंने ही अपने बेहतर चित्रकारी के ज़रिए इस संविधान के प्रियम्बल को जो है अपना रंग और रूप दिया। अब हम आपको बताएंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में और ज़्यादा कुछ बता दूँ। देखिए मान लीजिए ये मेरे हाथ में जो ये मोटी सी जो बुक जो है, यही हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस बुक को क्या करेंगे, हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया। देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच पार्ट में हमने बांट दिया। ऐसे ही हमारा संविधान जो है ना वो कुल 22 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, और 22 पार्ट में जब हमारा संविधान जब बना था उस समय वो कुल 22 पार्ट में था, और आज कितना है, आज ये आपको जो है टोटल जो है 25 पार्ट में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तीन पार्ट कहाँ से आ गया। मान लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हर पार्ट में जो है किसी न चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो मान लीजिए कि हमारा संविधान का अगर पार्ट 9 है, इसमें किसी टॉपिक के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसी जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, किसी नियम के बारे में बताया गया है, मान लीजिए यूनियन टेरिटरीज और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस को लेकर बताया गया है, तो उसमें समय के अनुसार क्या किया, कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया। तो जो मान लीजिए कि अगर 9th पार्ट में अगर कुछ जोड़ दिया तो उसको हमने क्या किया, 9th A 9th B नाम दे दिया। अब मान लीजिए 12th पार्ट में किसी चीज़ के बारे में है तो उसको हमने क्या किया, उसमें भी कुछ ऐड कर दिया अगर, तो उसको 12th A 12th B और 12th C के नाम से दे दिया। तो ये इस तरीके से टोटल क्या हो गया, 22 पार्ट तो पहले थे। ठीक है, और 22 पार्ट से कितना हो गया अब टोटल, 25 पार्ट।
ठीक है, तो टोटल जो है अभी 25 पार्ट्स हो गए। हमने सीक्वेंस को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, सीक्वेंस वैसे ही रहने दिया, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, आगे की ओर बढ़ाया, टोटल 25 पार्ट्स। वैसे ही आपको हमारे जो है संविधान के जो पार्ट्स जो मैंने आपको बताया जो बुक के, तो वैसे ही आपको जो है आर्टिकल्स, हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स पहले थे और अभी जो है वो आपको 448 आर्टिकल्स हैं। उसी तरीके से आर्टिकल्स को हम लोग सूची कहते हैं। अब आर्टिकल्स के बाद जो होता है वो आपको जो आता है वो अनुसूची होता है, ठीक है, आर्टिकल्स के बाद जो होता है वो क्या होता है, अनुसूची। तो कुल अनुसूची जो थे पहले 8 थे और अभी कितने हैं, 12। अब इसको ऐसे समझिए, आर्टिकल्स जो है वो अंदर के जो है पेजेस हो गए, ठीक है, और अनुसूची यानी शेड्यूल्स जो है वो आपको जो है अंदर के टॉपिक हो गए, ठीक है। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक विस्तृत जानकारी। थैंक यू।